वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया एटिंगा में दूसरे टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त के बुलावे पर डिनर करने पहुंची। खास बात ये थी कि इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी बॉलीवुड एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ तो जरूर नजर आए, लेकिन इस मीट की जो ऑफिशियल फोटो बीसीसीआई ने जारी करनी थी उसमें से अनुष्का को बाहर कर दिया गया। दरअसल पिछले साल भारतीय टीम जब इंग्लैंड के दौरे पर थी तब वहां के भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों ने भी टीम इंडिया को डिनर के लिए बुलाया था। इस मीट की ऑफिशियल फोटो बीसीसीआई ने जब ट्विटर अकाउंट पर डाली तो उस पर विवाद हो गया। दरअसल इस तस्वीर में विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का भी दिख रही थी। फैंस ने इस कारण अनुष्का को ट्रोल किया, टीम इंडिया के ऑफिशियल डिनर में अनुष्का का क्या काम। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब विवाद हो गया था। आखिरकार बीसीसीआई ने किसी भी तरह के विवाद को शुरू होने से पहले रोकने के लिए ये कदम उठा दिया। भारतीय टीम बीते दिनों भारतीय उच्चायुक्त के आह्वान पर डिनर के लिए गई थी। इस दौरान पूरी टीम सफेद टी शर्ट और नीली जींस में नजर आई थी। बता दें कि टीम इंडिया जहां भी जाए वहां कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा नजर आ ही जाती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी दोनों की जोड़ी खूब हिट हुई थी, और तब जब बीसीसीआई ने विदेशी दौरों पर पत्नियों या गर्लफ्रेंड के साथ रखने की सीमा सीमित करने की बात कही थी तो सबसे पहले विराट कोहली ने ही इसका विरोध किया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।